ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर है। इसमें क्या बोलता है, एक ठेकेदार है, बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलदार, यानी कि एक ठेकेदार क्या कहते हैं, बच्चे को खेलने के लिए 2 फिसलदार पट्टी क्या कहते हैं, बनाते हैं, बनाना चाहते हैं। एक क्या बनाना चाहते हैं, वो 5 वर्ष से कम उनके बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलदार पर लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर, यानी कि जो 5 साल से कम के बच्चे होंगे उसके लिए उसने क्या किया, 1.5 शिखर का ऊंचाई ऊपर एक भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री के कोण झुका हुआ है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई तक अधिक धार का फिसलदार पट्टी बनाना चाहता है, बनाना चाहती। तो जो भूमि के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण, तो प्रत्येक फिसलदार पट्टी की क्या बोल रहा है कि लंबाई आपको निकालना है, कि वो फिसलदार जो पट्टी होगा उसका लंबाई कितना होगा, वो चीज आपको क्या करना है गाइज, बताना है, ये हमारा क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले बोलता है 5 वर्ष से कम आयु। ओके, कम आयु, यदि आप 5 वर्ष से कम के आयु हैं तो वो एक फिसलदार जो पट्टी बन रहा है 5 वर्ष से कम का, उसका जो ऊंचाई है कितना है, 1.5 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊंचाई है, यहां से फिसलदार पट्टी आ रहा है तो इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। ओके, इसके बाद इसका क्या करना है, मेरा वैल्यू निकालना है और कितना डिग्री का एंगल की कोण वो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो एंगल का कोण बना रहा है गाइज, एक मिनट, वो कौन बना रहा है, 30 डिग्री का। ओके, यहाँ पे देखिए उसमें जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री के कोण को झुकाव करके क्या कर रहा है, वो बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा कितना है, 30 डिग्री है। ओके, तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। यदि हमने ए बी सी अगर मानते हैं तो मेरा जो है उस अकॉर्डिंग पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना, ये क्या हुआ, पी बाय एच, यानी कि समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ओके, तो मेरा पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी आप बटे क्या आ जाएगा, ए सी। ओके, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है गाइज, 1 बटे कहते हैं 2। ओके, इसके बाद 1.5 बटे ए सी। ओके, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ए सी बराबर 1.5 गुना कितना होता है, 2, तो ए सी का मान कितना हुआ मेरा, 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 3.0। तो माना जो पारा फिसलदार पट्टी हो गया वो कितना होगा, 3.5। ओके, इसके बाद क्या बोलता है, 5 वर्ष से अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष के अधिक के लिए वो क्या कहता है, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इस बार हाइट कितना कहता है, 3 मीटर कर देता है। ओके, इसके बाद वो कितना एंगल का कोण से बनाता है, पहले 30 डिग्री था, इस बार कितना बना दिया, 60 डिग्री के कोण से वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ओके, इसके बाद ए बी ए सी सेम ये मैंने निकालना है फिसलदार पट्टी का, तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ये क्या होगा, पी बाय एच, पी बाय एच किसका होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री आप बराबर क्या होगा, लिखेंगे ए बी आप बटे क्या लिखेंगे, ए सी। ओके, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बाय कितना होता है, 2 बराबर, ए बी का मान कितना है, 3 बराबर कितना हो गया, ए सी, यानी कि ए सी निकालना है, तो 3 × 2 बराबर ए सी इंटू रूट कितना हुआ, 3। ओके, तो यहाँ पे ए सी √3 बराबर कितना हुआ, 6, तो AC बराबर कितना हुआ, 6/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए गाइस। ओके, यहाँ पे हर का परिमेयकरण होने के बाद मेरा कितना होगा, 6√3 और बटे कितना हुआ, 3, 3 2 कैंसिल, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा, 2√3। ये दूसरा जो फिसलदार पट्टी होगा गाइस वो कितना का होगा, 2√3 का। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इजीली आप लोग क्या कीजिएगा, इनको हल कर लीजिएगा।
तो दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना नंबर है? चार नंबर। चार नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि एक मीनार है जो कि भूमि से क्या है 30 मीटर की दूरी पे है, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है 30 डिग्री है, तब क्या बोल रहा है कि मीनार का ऊंचाई कितना होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ओके, तो फिगर कैसे बनेगा, मान के चलिए देखिए ये मीनार खड़ा है। ओके, एक मीनार खड़ा है, यहाँ पे एक बिंदु है। ओके, जिसका दूरी कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है दूरी कितना है, यहाँ पे चेक कीजिए दूरी कितना है 30 मीटर, ये 30 मीटर है। और यहाँ से देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कोण जो है बना रहा है गाइस वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। ओके, तब क्या बोल रहा है, ये मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ओके, तो ये ए बी हो गया, सी यहां पे क्या करेंगे, माना कि ए बी क्या है, मीनार है। ओके, ए बी क्या है, मीनार है, तो इसी का क्या करना है हमको, ऊंचाई निकालना है। ओके, तो समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ओके, मेरा ये दिया गया है, यानी कि बी दिया गया है, ये पी है, पी बाय बी किसका होता है, पी बाय बी के होता है टेन का, यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पी यानी कि ए बी, बी का मान कितना हुआ मेरा 20। ओके, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब बराबर क्या होगा, ए बी का मान क्या है निकालना है, बी सी का मान कितना दिया है 30, यानी कि ए बी इंटू रूट थ्री अब बराबर कितना हुआ 30, तो ए बी बराबर कितना रखेंगे 30/√3। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो मेरा 30√3 आप बटे कितना हो जाएगा 3, ये 10 बार में, यानी कि ए बी का मान कितना आया गाइस 10√3, यानी कि मीनार का जो मेरा ऊंचाई होगा वो कितना होगा 10√3। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पे भेजिएगा, इसके बाद इजीली आप लोग आसानी से बात में हक।